हेलो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह 4:30 हो गया है। अभी हम लोग रेडी होना पड़ेगा फटाफट, सामान वहाँ पैक जो भी सामान है ये हाल है, सब पैकिंग वैकिंग कर उनके फटाफट निकलना है घर की ओर। गर्मी कितना है यहाँ चेकआउट करने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है रिसेप्शन में, तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लिए हैं। रेडी हो गया ना? तो गाइस हम लोग अभी धूपगुड़ी से निकल चुके हैं डायरेक्ट रोहा के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है अराउंड, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं जितना हो सके। ओ अब शांति मिला रे, हाँ बाप रे। तो निकलते निकलते लगभग 5:45 हो गया, 5:45, और हम लोग अराउंड 45 मिनट्स लेट हो गए। टारगेट था 5 बजे निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज पहुंच जाएंगे घर, कल रेस्ट लेना है, अब परसों से ड्यूटी फिर से चालू। तुम्हारा तो कल भी रेस्ट नहीं मिलेगा शायद, कल ही बैठना होगा। हम कल रेस्ट ले लूँगा, फ़ोन कर दूँगा सबको। नहीं रेस्ट लेना ज़रूरी है यार, ऐसे थकावट हो गया है उठने का। अभी यहाँ से 400 किलोमीटर और अवे है घर से, तो फसल रुकना होगा, पानी नहीं पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें राइड करना होगा, तो उसको तो रेस देना होगा ना, तो इधर से मैं राइड करूँगा, दोस्त रेस्ट लेगा, तो चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग फाइनली ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड असम, और यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर और कोरबा अप करना है। धूप है काफ़ी, और बीच में धूपगुड़ी से जो निकले थे तो वहाँ का जो रोड था काफ़ी ख़राब था, और वहाँ पे सुबह सुबह हम लोग को लगा कि जितना जल्दी हो सके कोरबा अप कर लेंगे डिस्टेंस, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हम लोग को थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे उस रूट पे काफ़ी सुबह सुबह ट्रक था, एक लाइन से कंप्लीट आपका ट्रक ही ट्रक था, तो थोड़ा सा स्लोली चलाना पड़ा। और अभी गुवाहाटी पहुँचने के बाद ही थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ी देर बाद में हम लोग न्यू बोंगाईगांव पहुँच जाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो। गुवाहाटी पहुंच के तो शांति मिलेगा, उसके बाद वहां से और 100 किलोमीटर रह जाएगा। सुबह सुबह तो वेदर ठीक ही था, लेकिन अभी तो कंप्लीट धूप निकल चुका है, शाम तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी लॉन्ग टूर रहा, पहली बार बाइक से इतना डिस्टेंस को कवर अप करना इतना ईजी नहीं था,
बिकॉज़ जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो तो वहाँ के लोग, वहाँ का जो खाने पीने का जो रहता है सब कुछ बदल जाता है, और खुद को उस क्लाइमेट में, उस कंडीशन में खुद को रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का पानी भी चेंज हो जाता है, और पानी चेंज होने से आदमी का तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो इसी का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। गाइस यहाँ पे रुकना पड़ा, थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया है। आज जितेंद्र का हालत बहुत ठीक है, देखो बिंदास, ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, लेकिन ये बंदा ठीक नहीं है। हम लोग को काफ़ी दूर ट्रेवल करना था, ऐसे भी अभी भी और लंबा जाना है, और आज मेरा तबीयत ना ठीक नहीं है, बॉडी पूरा कंप्लीट 100% वर्क काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ यहाँ पे हाईवे के सामने, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी। हम लोग पहुँच गए हैं बोर बेटा, अब यहाँ से और गुवाहाटी ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 90 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स है अराउंड। और फिलहाल जो मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, अब ठीक है, सोचाता हूँ कि हेल्थ इस तरह बना रहे और कुछ घंटों तक, 4 घंटों तक, ताकि घर पहुँच जाऊँ सही सलामत, उसके बाद कुछ भी हो तो देखा जाएगा। तो बोरपेटा से सीधा ले चलता हूँ गुवाहाटी तक, देखते रहिए वीडियो, कीप वॉचिंग। तो यहाँ से जालुकबाड़ी है 81 किलोमीटर, नौगांव 10 किलोमीटर। ये कौन सा नौगांव भैया? अबे अगर ये रूट निकल गया तो हम लोग तो बे माला माल बे है। क्या वो दूसरा नौगांव है शायद, दूसरा नौगांव होगा शायद। रोको 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 रोको, बैग चला जाएगा, गिर जाएगा बैग, बैग का हाल गया। अयो देखो बैग का हाल देखो, अरे यार रुको रुको, अरे बैग देखो बे, ऐसे कैसे हो गया? ओह माय गॉड, अरे पकड़ो पकड़ो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का बैग जो पीछे से बांधा हुआ था कंप्लीट ढीला हो गया, पूरा खुल गया था, पता भी नहीं चल रहा था, अगर हम लोग और थोड़ा सा जर्किंग मिल जाता तो ये बैग भी नीचे गिर जाता। तो यहाँ पे फिलहाल बोरपेटा में ही हूँ, और यहाँ पे रुकने से सब पूछ रहे थे कौन कहाँ से, यहाँ का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है आदमी लोग, थोड़ा सा भीड़ हो गया था, वो वीडियो मैं नहीं बना पाया, थोड़ा सा रेस लिया थोड़ा का, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सीधा अभी गुवाहाटी की ओर, अब यहाँ से गुवाहाटी अराउंड 75 किलोमीटर है गुवाहाटी, उसके बाद में 100 गुवाहाटी से 100 किलोमीटर और है हम लोग का घर। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, ले चलते हैं गुवाहाटी। मतलब ज़िंदगी में एक बार अगर जो राइडर है, जिसे मतलब राइडिंग का शौक़ है, वो अगर लद्दाख का ही वो मेन सपना रखता है ना, हम लोग का किस्मत अच्छा है कि लद्दाख इंडिया में ही है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई नेपाल चलना है, बहुत दूर माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना पड़ेगा, लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं होता है जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला ना, क्योंकि तुम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का लोग, वहाँ का सबका मतलब बिहेवियर अलग अलग होता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हर जगह पे आदमी को सावधानी बरतना चाहिए ठीक से। ओ এতিয়া গুৱাহাটী 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 কৰি আছে, মানে কি আৰু, মানে ইয়াৰ পৰা মানে যিমান পেচেঞ্জাৰ আছে সব গুৱাহাটী যাব আৰু ন, চ' ইয়া
just around 72 kilometers from here to Guwahati. चलो चलो अब आराम से चलो. मैंने बोला था ना 6 बजे तक ले घर पहुंच जाऊंगा. रेस्ट भी ले सो के जाऊंगा फिर भी 6 बजे. तो गाइस बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है. गुवाहाटी पहुंचने वाले थे थी हाजो में, मतलब गुवाहाटी से लगभग, और मतलब गुवाहाटी पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर था. तभी मतलब हाजो एक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग का गाड़ी ख़राब हो गया, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था. तो हम लोगों को लगा कि गाड़ी बहुत दूर से आ रहा है, इसीलिए सब गर्म ज़्यादा गर्म हो गया, इसीलिए थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था. तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए एक घंटा वेट करने के बाद फिर से एक ही दिक्कत आ रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था. उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि रॉयल एनफील्ड डीलर को फ़ोन किया, तो उन लोगों ने बोला कि एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा. फिर हम लोगों ने पास का एक मैकेनिक को बुलाया, उसको चेक कराया. तो उन वो भी बहुत ट्राई किया, आधा घंटा ट्राई किया, लेकिन उससे नहीं हुआ. तो उसके बाद गाड़ी आया, शाम हो गया, 5:30 बज गए. दोनों घर में फ़ोन करके बोलते हैं कि आज आने में शायद देरी होगा. उसके बाद जैसे ही आया डीलर आया, लगभग 6 बजे के करीब आया. तो उसके बाद में गाड़ी को फिर उठाना पड़ा. उठाने के बाद में वहाँ से फिर हम लोग ले चले गुवाहाटी. तो पहुँचते 6:45 हो गया, 7 बज के लगभग. वहाँ पे जो डीलर भी जैसे ही पहुँचा तो डीलर वाले बोलते हैं कि आज तो होगा नहीं, कल आना होगा. फिर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को नौगांव जाना है, दूर जाना है थोड़ा, यहाँ से अभी भी 100 किलोमीटर है. सो अब बहुत दूर से आ रहे हैं. तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने मान गया. उसमें से एक लड़का आया और बोला कि ठीक है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उससे हाथ में प्रॉब्लम होगा, ठीक हो जाएगा. उन लोगों ने गाड़ी को ले दिया अंदर. फिर उन्होंने हर चीज़ चेक किया, लेकिन उन लोगों से नहीं हुआ. मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट जितना हो सके उन लोगों ने फटाफट सभी जितने थे वहाँ सभी ने ट्राई किया, सभी भैया ने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ. तो थैंक यू सभी को जो इतना ट्राई किया. मतलब बहुत अच्छा लगा कि रात 8 बज गया, मतलब 8 से पारी हो गया था, मतलब 8:15-8:30 के करीब हो गया था. उन लोगों ने जितना हो सके सब ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ. तो फाइनली हम लोगों ने प्लान किया कि आज रुक जाने में भलाई होगा. तो सारा वो जो बैग था वहीं पर डीलर में रख के हम लोगों ने होटल लिया. आज अभी होटल में हैं हम लोग. तो होटल में स्टे करना पड़ा अभी. सो जर्नी ओवरऑल सब ठीक रहा, लेकिन यहाँ पे मतलब ऑन रोड बाइक पे कोई भरोसा नहीं है. बस यही दिक्कत है कि मतलब कुछ भी हो सकता. तो हम लोग ने रिक्स लिया था तो फंस भी गए, लेकिन एक ही अच्छा हुआ कि हम लोग का अपना प्लेस में हुआ, कि यहाँ से हम लोग का सब आदमी है, कुछ भी दिक्कत होता तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते. तो यही अगर घर तक पहुँच जाते तो ये पूरा कंप्लीट जो टूर था अभी पूरा हो जाता है. लेकिन कोई बात नहीं, अभी गाड़ी शायद ठीक हो जाएगा, अभी सब में हम लोग पहुँच जाएंगे. तो ये वीडियो मुझे यहीं तक एंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, बहुत थक गया हूँ. सो वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू. तो इस तरह और वीडियो अभी और आएगा. तो जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू. बाय बाय गाइज़.